गर्मियां आ चुकी हैं और गर्मियों के अंदर हमें हर ठेले पर दिखाई देते हैं आम। आम 95% लोगों का फेवरेट फ्रूट होता है। जितना ये रसीला होता है उससे कई गुना ज्यादा ये कई सारे ऐसे गुणों से भरपूर होता है जिनकी शायद हम कल्पना भी नहीं करते। बहुत बार आपने कहते हुए सुना होगा कि ज्यादा आम खाने से फुंसियां आ जाती हैं, लेकिन क्या आपने ये सुना है कि आम को ही अगर हम सही तरीके से बहुत सारी दूसरी चीजों के साथ मिलाकर के इस्तेमाल करें तो ये आपके सौंदर्य में 4 चांद लगा सकता है। मतलब कि ये आपकी स्किन को बना सकता है बहुत ज्यादा ग्लोइंग, बालों को बनाता है चमकदार और साथ के साथ नाखूनों को भी ये मजबूत बनाता है और नाखून को लंबाई बढ़ने की अगर आप कामना रखते हैं तो उसे भी ये पूरा करता है। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा एक ऐसी स्मूदी के बारे में जिसका मेन कंपोनेंट होगा आम, और हम बात करेंगे आम से बनने वाली इस स्मूदी के बेनिफिट्स के बारे में। तो अगर आप भी फेवरेट है आपका आम फ्रूट और आप भी चाहते हैं कि इसको अपनी डाइट में शामिल करें लेकिन इस तरह से शामिल करें कि ये आपकी खूबसूरती को बढ़ा दे, तो डेफिनेटली ये वीडियो लास्ट तक देखना जरूर बनता है। और वीडियो अगर पसंद आए तो सभी तक शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि आम हर एक का फेवरेट होता है। सो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरल थेरेपिस्ट। प्रकृति माँ के जितने भी बताए हुए या दिए हुए खूबसूरत उपहार हैं, एक नेचुरल थेरेपिस्ट आपको उन्हीं उपहारों के बारे में थोड़ा सा रिसर्च और डेवलपमेंट करके आपको उन चीजों को एक्सप्लोर करके बताता है। और इसी तरह के वीडियोज हम अपने इस चैनल पर, अपने इस फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करते हैं। दोस्तों, आम के अंदर हमें मिठास तो मिलती ही है, लेकिन अगर हम न्यूट्रिशंस वैल्यू के हिसाब से बात करें तो इसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मैग्नीशियम, मैंगनीज के अलावा सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव कंपोनेंट है वो है कॉपर। कॉपर हमारी स्किन को डिटॉक्सिफाई करता है, कॉपर हमारी स्किन को रिवाइटलाइज करता है, कॉपर हमारी स्किन को रिजुविनेट करता है। इसीलिए आपने बहुत बार सुना भी होगा कि कॉपर के बर्तन में रखे गए पानी को अगर सुबह पिया जाए तो डेफिनेटली उससे कई फायदे होते हैं। इसी तरह के सेम बेनिफिट्स हमें आम के अंदर जो कॉपर होता है उससे भी मिलते हैं, लेकिन ये डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस कई बार हमारे चेहरे पर दाने ले आता है। तो क्या किया जाए कि ये हमें सिर्फ फायदे दे, किसी भी तरह का स्किन का कोई प्रॉब्लम ना दे। तो इस स्मूदी को बनाने के लिए हमें आम के अलावा भी 4 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होने वाली है। ये 4 इंग्रेडिएंट्स कौन-कौन से हैं? तो पहला जो इंग्रेडिएंट आता है आम के साथ में वो आता है केला। केले के अंदर पोटेशियम होता है और जो पोटेशियम होता है वो आपकी स्किन के अंदर जो कोशिकाएं जो समय से पहले डैमेज हो रही हैं, समय से पहले जो डेड हो रही हैं, उनको वापस से रिकवर करता है। और जैसे जैसे ये रिकवरी होती जाती है वैसे वैसे हमारी स्किन का रिजुविनेशन होने लगता है। तो अगर आप एक मीडियम साइज का अगर मैंगो ले रहे हैं तो उसके साथ में आपको एक मीडियम साइज का एक बनाना लेना है। तीसरा जो इंग्रेडिएंट आता है दोस्तों स्मूदी को बनाने के लिए वो आता है गाजर। गाजर आप लोग बोलेंगे मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन मार्केट में इस समय पे ऑरेंज गाजर बहुत इजीली अवेलेबल है और इस समय पर वो सबसे ज्यादा सैलड्स में खाई जाती है और उसको आपको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। तो ये गाजर आप लीजिए, एक बहुत छोटे साइज की आप गाजर ले लीजिए। अगर आपको गाजर नहीं मिलती है तो आप उसकी जगह पर टमाटर यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर कैरोटीन नाम का कंपोनेंट होता है और हमें वही चाहिए। तो गाजर अगर नहीं मिलती तो टमाटर ले लीजिए, एक मीडियम साइज का टमाटर होगा। नंबर 4 जो इंग्रेडिएंट आता है यहाँ पे दोस्तों वो आता है सौंफ। सौंफ के अंदर क्योंकि हमारी ब्यूटी हार्मोन को बढ़ाने का कंपोनेंट होता है, इतनी ताकत होती है, तो वो हमें चाहिए यहाँ पर। तो वो हमें 1 टीस्पून के आसपास चाहिए इस पूरी स्मूदी को बनाने के लिए। नंबर 5 और नंबर लास्ट जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें जहाँ पे चाहिए वो चाहिए दूध। दूध आप आपकी इच्छा अनुसार यहाँ पर डालेंगे, आपकी सुविधा अनुसार आप डालेंगे, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डालेंगे। आपको इन जितने भी मैंने चीजें आपको बताई, मैंने आपको आम, आपको केला, टमाटर या उसकी जगह पर गाजर और 1 चम्मच सौंफ बताया है, इनको पहले बहुत अच्छे से ग्राइंड करके एक पल्प बना लीजिए। और इस पल्प को पीने लायक बनाने के लिए, पीने लायक कंसिस्टेंसी में लाने के लिए जितनी जरूरत हो उतना इसमें दूध ऐड कीजिए। तो आप देखेंगे कि अगर आपको बहुत रनिंग कंसिस्टेंसी चाहिए तो दूध की मात्रा ज्यादा होगी, और अगर बहुत कम रनिंग चाहिए तो डेफिनेटली कम दूध की मात्रा के साथ भी आप यहाँ पर काम कर सकते हो। तो ये दूध मिलाइए और दूध मिलाने के बाद वापस एक बार ग्राइंड कर लीजिए, और ग्राइंड करने के बाद में
आप अब इसको पीने के लिए तैयार हैं और इस यमी सी ड्रिंक को पीजिए जो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाली है आपकी स्किन, आपके हेयर और आपके नेल्स के लिए। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके ही जहां किसी भी दोस्त का, किसी भी भाई बहन के काम आ सकता है, तो उसे जरूर शेयर कीजिएगा। ये स्मूदी आप कभी भी पी सकते हैं क्योंकि गर्मियों के दिन है, ठंडी ठंडी स्मूदी हम कभी भी पी सकते हैं। जब भी आपका मन करे कुछ मंचिंग करने का, कुछ खाने का, तो स्मूदी बनाइए। स्मूदी को बना के अपने फ्रीजर में रख लीजिए और तुरंत इसमें दूध मिलाइए और ऐड कर दीजिए इसके अंदर अपनी रेसिपी, एंड यू विल बी फाइंड कि ये बहुत ज्यादा टेस्टी, डिलीशियस तो है ही और हेल्दी भी है। सो ये था आज का हमारा वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। आपका प्यार आप जिस तरह से हमें देते हैं उसी तरह से देते रहिए। आपके प्यार की बदौलत ही ये चैनल बहुत आगे तक जा रहा है और आपका प्यार इस चैनल को इसी तरह से मिलता रहेगा। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।